देखें, अभी तक हम लोग देखे हैं कि अगर हमारे पास 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो वो ऑलवेज इरिड्यूसिबल होता है, और अगर मुझे 2 डिग्री या 3 डिग्री का पॉलिनोमियल दिया जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जिस डोमेन पे, जिस फील्ड पे मुझे निकालना है, उस फील्ड पे अगर रूट मिलेंगे तो फैक्टराइज होंगे, रूट नहीं मिलेंगे तो फैक्टराइजर नहीं होंगे, ठीक है। और अगर 3 डिग्री से ज़्यादा की पॉलिनोमियल मुझे दी हुई है तो उसके लिए क्या है, मान लीजिए आपके पास 4 और 5th डिग्री की पॉलिनोमियल दी हुई है, तो अगर रूट मिला तब तो रिड्यूसिबल है, फैक्टराइजेबल है, बट अगर रूट नहीं मिला तो हम ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि फैक्टराइजेबल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास, जैसे कि दिया हुआ है ये 4 डिग्री की पॉलिनोमियल मुझे दी हुई है मान लीजिए, ठीक है, ये 4 डिग्री की पॉलिनोमियल दी हुई है, ये 4 डिग्री की पॉलिनोमियल हमको दी हुई है, तो मान लीजिए इसका कोई लीनियर फैक्टर नहीं मिल रहा, इसका रूट नहीं मिल रहा, मतलब ये पॉलिनोमियल जो है 1 × 3 में नहीं टूट रहा है, कि ये इसका रिड्यूसिबल नहीं होगा, शायद ये 2 × 2 में टूट जाए, 2 × 2 में टूट जाए अगर ये, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो होगा इसका लीनियर फैक्टर तो नहीं मिला, पर फिर भी ये पॉलिनोमियल जो है वो रिड्यूसिबल है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 3 डिग्री से ज़्यादा की, मतलब वैसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 से ज़्यादा हो, वैसे वो पॉलिनोमियल मुझे दी हुई है, तो अगर उसका रूट मिल रहा है तो हम ये बोल देंगे कि फैक्टराइजेबल है, रिड्यूसिबल है, बट अगर रूट नहीं मिल रहा है तो हम कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये हमारा हुआ रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, अभी तक, अभी स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग देख रहे हैं, क्या देखे हैं कि अभी तक हम लोग जितने भी काम किए हैं वो सिर्फ काम किए हैं फाइनाइट फील्ड पे। हमारा फील्ड क्या था, हमारा फील्ड था Z2, Z5, Z7 या Z11, आप जितना भी ले लो, जितने भी थे इसमें, कितने भी थे, फाइनाइट एलिमेंट थे ना, फाइनाइट एलिमेंट थे, उससे ज़्यादा तो एलिमेंट थे नहीं। बट अगर जैसे कि हमारा पास, जैसे कि क्वेश्चन अगर उसमें आए, जैसे कि अगर क्वेश्चन मुझे जेड ने पूछ ली, क्यू में पूछ ले, मतलब ऐसा फील्ड जिसका मतलब इनफाइनाइट फील्ड है ना, इनफाइनाइट फील्ड में पूछ लेगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें तो फाइनाइट एलिमेंट थे, हम रख के देख लिए, रूट है तो रिड्यूसिबल है, रूट नहीं है तो रिड्यूसिबल नहीं है। बट अगर इसमें आएगा तो हम कितना एलिमेंट देखेंगे, इसमें कितने इनफाइनाइट एलिमेंट, हम कितना चेक करेंगे। और ये भी तो हो सकता है ना कि कोई कोई पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल ही ना हो। ठीक है, देखिए ये स्टेटमेंट तो आप पढ़ रहे हो, स्टेटमेंट तो पढ़े ही, मतलब हमारे पास वैसे ही पॉलिनोमियल ना जो रिड्यूसिबल नहीं है, तो हम कहाँ तक चेक करेंगे, कब तक चेक करेंगे, चेक करके तो इसमें तो बहुत समय लग जाएगा हमारा। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हमारे पास एक टेस्ट है मॉड पी टेस्ट, उसका हम यूज करेंगे। उसमें क्या करते हैं, मॉड पी टेस्ट में अभी हम डील करेंगे उसको, अभी आपको सामने डील किया जाएगा। उसमें क्या करते हैं, मॉड पी टेस्ट में एक ऐसा प्राइम ढूंढ के लाते हैं, जो उस प्राइम, एक ऐसा प्राइम ढूंढ के लाएंगे, उस प्राइम से एक ऐसा फील्ड बनाएंगे, और अगर उस फील्ड में वो गिवन पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल है और कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इरिड्यूसिबल है, तो ऑरिजिनल पॉलिनोमियल भी इरिड्यूसिबल होगा, अदरवाइज हम कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि सामने एक, आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। एक रिजल्ट और भी है आपके सामने, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, और अगर उसका कोफिशियंट इंटीजर है, और उसका कोफिशियंट इंटीजर है, तो उसका जो बिहेवियर होगा वो जेड पे आप अप्लाई करो या क्यू पे अप्लाई करो, क्यू पे देखो चाहे जेड पे देखो, बहुत आर सेम। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका कोफिशियंट इंटीजर है, उसका जो बिहेवियर जेड पे या क्यू पे दोनों पे सेम होता है। अगर क्यू पे रिड्यूसिबल है तो जेड पे भी है, जेड पे है तो क्यू पे भी है, दोनों पे सेम कंडीशन होता है। तो अब आते हैं यहाँ पे, ऐसे मान लीजिए हमें पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये देख रहे इसका ऑप्शन जेड से बिलोंग कर रहा है, इसे मुझे चेक करना है क्यू पे चेक करना है कि ये कैसा है, रिड्यूसिबल है कि इरिड्यूसिबल है। तो यहाँ देख रहे हैं, तो पहले हम आपको बताए हुए थे कि 3D का पॉलिनोमियल रहता है तो क्या होता है, अगर रूट रहता है तो रिड्यूसिबल होता है, रूट नहीं होता तो रिड्यूसिबल नहीं होता है। यहाँ भी वही केस अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ तो मेरा फाइनाइट फील्ड था, यहाँ पे तो क्यू है, इनफाइनाइट है, कहाँ तक अप्लाई करोगे, इसमें कितने कितने एलिमेंट आप चेक करोगे, इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट है, पॉसिबल तो है नहीं, रिस्पॉसिबल नहीं है चेक करना। इसीलिए क्या करते हैं, इस केस में हम अप्लाई करते हैं एक मॉड पी टेस्ट है, मॉड पी टेस्ट। इसमें क्या करेंगे हम, इस टेस्ट का थीम क्या है कि हम एक ऐसा प्राइम ढूंढ के लाएंगे, और उस प्राइम से फील्ड बनाएंगे, उस फील्ड का जो एलिमेंट है उसमें कुछ कंडीशन होंगे, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो जो मेरा जो पॉलिनोमियल जो फॉर्म होगा उस फील्ड पे वो इरिड्यूसिबल होगा, तो ये इरिड्यूसिबल होगा, और अगर वो रिड्यूसिबल होगा तो हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकालेंगे। तो फिर क्या करेंगे हम, फिर हम नेक्स्ट प्राइम पे सर्च करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास, ऐसे हम पहले क्या किए, हम पहले एक प्राइम लिए हैं 2, ठीक है, 2 स्टार्टिंग से करते हैं, 2 है, तो 2 से हम फील्ड बनाएंगे, क्या होगा, Z2 पे कौन एलिमेंट होंगे, 0 और 1 होंगे, ठीक है, होंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 प्राइम लिए हैं, इसलिए 2 से हम जितने भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का जो कॉफिशियंट है ना उसको रिड्यूस कर देंगे, यहाँ पी 2 है इसलिए सारे का जो पॉलिनोमियल का जो कॉफिशियंट है उसको 2 से रिड्यूस कर देंगे। तो क्या आएगा, देखिए नया पॉलिनोमियल मेरा क्या बनेगा, f(x)2 क्या हो जाएगा, x³ + x², बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये बिलोंग कर रहा है आपका z2
एक्स में, ठीक है, टू एक्स में, क्लियर। अब क्या होगा, पहला कंडीशन मेरा क्या बोलता है इसका, कि डिग्री सेम होना चाहिए, डिग्री सेम होना चाहिए। और दूसरा क्या बोलता है कि इरिड्यूसिबल होना चाहिए, इरिड्यूसिबल ओवर जेड टू, ये दो मेरा कंडीशन है। देखते हैं जो मेरे नया पॉलीनोमियल जो बना है ये, इसका और इसका डिग्री सेम होना चाहिए। देखिए कि डिग्री सेम है, इसका डिग्री क्यूब है, इसका डिग्री क्यूब है, हाँ तो सेम है, ठीक है। अब देखना है कि ये जो नया जो पॉलीनोमियल बना है ये जेड टू पे इरिड्यूसिबल है या नहीं। देखिए तो जेड टू पे क्या है, ये जेड टू पे, जेड टू इसको चेक करेंगे तो साफा दिख रहा है मुझे, ये जो पॉलीनोमियल है ये तो फैक्टराइजेबल है, एक्स कॉमन तो इसमें यहाँ ही रहा है, इसका मतलब ये इरिड्यूसिबल तो नहीं, रिड्यूसिबल हो गया। कैसे हो गया ये, रिड्यूसिबल हो गया। तो हम यहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं निकालेंगे स्टूडेंट्स, बहुत लोग का यही कहना होता है, बहुत लोग यहाँ पे मीनिंग निकाल लेते हैं कि ये रिड्यूसिबल है जेड टू पे इसलिए रिड्यूसिबल हो गया क्यू पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ये इरिड्यूसिबल होना चाहिए तब हम कंक्लूजन निकालेंगे, अदरवाइज हम कोई कंक्लूजन नहीं निकालेंगे। तो ये मेरा इरिड्यूसिबल हुआ इसीलिए ये टूल मेरा, ये प्राइम मेरा काम नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट प्राइम पर काम करेंगे जो कि मेरा क्या है थ्री। क्लियर हो रहा है आपको। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक नया प्राइम क्या है इससे हम जेड थ्री निकाल बनाएंगे, जेड थ्री में क्या होंगे, जीरो होंगे, वन होंगे, टू होंगे, ठीक है। तो अब नया प्राइम क्या बनेगा इससे, देखिए इसको हम क्या करेंगे, जितने भी पॉलीनोमियल है इसमें जितने कॉफिशेंट हो उसको थ्री से रिड्यूस करेंगे। ध्यान देना आप पावर को मत रिड्यूस कर देना, सिर्फ कॉफिशेंट को रिड्यूस करना। क्या बनेगा आपका, टू एक्स प्लस टू, ठीक है, ये बनेगा। अब यहाँ ध्यान दो आप क्या करना है, पहला कंडीशन क्या है मेरा, वही डिग्री सेम होना चाहिए, दो कंडीशन है मेरे पास, डिग्री सेम होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, इरिड्यूसिबल ओवर ओवर व्हाट, जेड थ्री, पॉलीनोमियल पी थ्री है ना यहाँ पे, तो जेड थ्री पे चेक करना है। तो देखिए डिग्री सेम है, इसका डिग्री तो वन है, इसका डिग्री थ्री है, तो यहाँ तो पहले कंडीशन फेल कर गया है। जब यही कंडीशन फेल कर गया है तब तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब ये भी पॉलीनोमियल मेरा काम नहीं किया, मतलब ये भी प्राइम मेरा काम नहीं किया। तो क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट पे काम करेंगे, जब तक चलते रहेगा नहीं मिल रहा है तो ये आपकी लक की बात है ना, आपको ढूंढना ही पड़ेगा। नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, मतलब आपको चुनना ही, आपको ढूंढना ही पड़ेगा। नेक्स्ट प्राइम क्या होता है, फाइव, फाइव पे करते हैं, जेड फाइव बनेगा, जेड फाइव मतलब जीरो वन टू थ्री फोर। नया पॉलीनोमियल बनाओ आप, क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस थ्री, यही ना बनेगा। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे पहला कंडीशन का क्या है भाई, डिग्री सेम होना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या है, इरिड्यूसिबल ओवर व्हाट, ओवर जेड फाइव। देखिए डिग्री क्या, डिग्री सेम है, डिग्री एक्स क्यूब है, यहाँ भी एक्स क्यूब है, ठीक है। अब देखना है कि जेड फाइव पे क्या ये इरिड्यूसिबल है, तो हम तो यही चाहेंगे ना कि इरिड्यूसिबल हो, तभी मेरा काम करेगा टूल, अदरवाइज अगर रिड्यूसिबल आ गया तो फिर मुझे नया प्राइम सर्च करना पड़ जाएगा। इसलिए फिर बार एक्स पे हम वैल्यू निकालेंगे, मतलब एफ बार एक्स पे चेक करेंगे कि ये जो पॉलीनोमियल है वो जेड फाइव पे इरिड्यूसिबल है कि नहीं। तो क्या करेंगे, पहले एफ बार जीरो पे निकालेंगे, ये क्या आ जाएगा, आप निकाल कर देखोगे तो क्या आएगा, देखना आप चेक करना, ये सब पे आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा, सेम ये पे आपको सब पे आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आप निकाल कर देखो, बताओ मुझे क्या क्या आया है, तो ये आया आपका वैल्यू, ठीक है, चेक करना ये आएगा, तो ये आपका वैल्यू आया। तो देख रहे हैं कोई तो रूट नहीं आया, मतलब कोई रूट नहीं आया, इसका मतलब तो खुशी की बात है, ये कोई रूट नहीं आया, तो जो हम चाहते थे वही हो गया, इसका मतलब अब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, ये जेड फाइव पे इरिड्यूसिबल है, ये पॉलीनोमियल इरिड्यूसिबल है, दैट्स द रीजन ये पॉलीनोमियल क्यू पे इरिड्यूसिबल होगा, अगर क्यू पे इरिड्यूसिबल होगा तो जेड पे इरिड्यूसिबल होगा, तो ये हमारा हुआ कंक्लूजन। इसको हम क्या लिखेंगे, सेम वे में क्या लिखेंगे, एफ बार एक्स इज व्हाट, इरिड्यूसिबल ओवर जेड फाइव, देयरफोर बाय मॉड पी टेस्ट एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर क्यू, या फिर आप जेड पे भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हुआ मॉड पी टेस्ट। तो बहुत ईजी, बहुत बहुत ईजी है, अगर आप ध्यान से दोगे तो कोई भी स्टूडेंट्स को सीख सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो क्या हुआ, देखिए इसको हम कब अप्लाई किए, जब हमारा फील्ड था इनफाइनाइट, इसलिए फील्ड को हम फाइनाइट में चेंज करने के लिए इसको हम अप्लाई किए हैं। तो क्या किए, पहले हम प्राइम ढूंढे, प्राइम से एक फील्ड बनाए, फील्ड पे देखें कि डिग्री सेम होना चाहिए, नया पॉलीनोमियल जो बना है फील्ड पे देखेंगे डिग्री सेम होना चाहिए, उसके बाद देखेंगे इरिड्यूसिबल होना चाहिए नया फील्ड पे, अगर ये इरिड्यूसिबल हुआ तब तो ये इरिड्यूसिबल होगा, लेकिन अगर ये इरिड्यूसिबल नहीं हुआ, रिड्यूसिबल हुआ, फैक्टराइजेबल हुआ, तो कोई कंक्लूजन नहीं निकला, नया प्राइम पे आए, फिर नया प्राइम पे किए, देखें कि डिग्री सेम है, डिग्री सेम नहीं हुआ, इसको भी काट दिए, फिर नया प्राइम पे आया, तो नया प्राइम पे मेरा जो फील्ड बना है उस पर डिग्री भी सेम आया है और इरिड्यूसिबल भी रहा है न्यू फील्ड पे। तो सेम वे में ये जो पॉलीनोमियल हो गया ये क्यू पे इरिड्यूसिबल हो गया।
तो ये हमारा था कंसेप्ट मॉडुलो पीटीएस का, जो बहुत इजी है, बहुत कोई दिक्कत में नहीं आएगा, आप करके देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसको ट्राई करके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ में आप नोटिस कर सकते हो, जैसे कि देखिए यहाँ पर जो हम प्राइम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो मान तो जाइए इस बात है कि इसमें तो कोई आइडिया नहीं, कुछ प्राइम ढूंढना ही पड़ेगा, लेकिन आप एक चीज़ एनालाइज करोगे इसमें तो पता चलेगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंडीशन फेल, यहाँ पे ये प्राइम टू है वो फेल क्यों किया, देख रहे हैं कि इरिड्यूसिबल हो गया जेड टू पे। इरिड्यूसिबल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कुछ फैक्टर आ गया कॉमा, तो मतलब मुझे एक ऐसा प्राइम ढूंढे जो इसको इसको डिवाइड ना करे और इसको भी डिवाइड ना करे, क्योंकि यहाँ पे जो हुआ है ना, यहाँ पे ना इसको ये कैंसिल कर दिया, मतलब इसके इसकी मतलब डिग्री सेम नहीं आई ना, तो इसको ये टर्म कैंसिल हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा प्राइम ढूंढो जो ना तो इसको डिवाइड करे और ना ही इसको डिवाइड करे, उससे क्या होगा, देखिए अगर इसको डिवाइड नहीं करेगा तो आपका डिग्री सेम रहेगा, अगर इसको डिवाइड नहीं करेगा तो टैक्स कॉमन नहीं लिया जाएगा, तो फैक्टराइजेबल नहीं होगा, इरिड्यूसिबल होगा, तो ये रीज़न है। आप इससे क्या होगा, इससे देखिए इससे आपका तो कम से कम समय तो बचेगा, जैसे कि मान लीजिए हम टू लिए हैं तो टू तो मेरा देख रहे इसको डिवाइड नहीं कर रहा बट इसको तो कर रहा है, तो ये हम नहीं लेंगे। देखेंगे थ्री, थ्री देखेंगे इसको तो डिवाइड नहीं कर रहा बट इसको कर रहा, सिर्फ नहीं लेंगे, डायरेक्ट काम करेंगे फाइव पे। मेरा इससे क्या होगा, इससे ये नहीं कि आपको डायरेक्ट प्राइम मिल ही जाएगा, बट कम से कम आपका समय बचेगा, आप इस ये और ये कैलकुलेशन तो नहीं ना करोगे, दोस्तों समय बचेगा ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक ऐसा प्राइम ढूंढना, एक ऐसा प्राइम ही लेना जो ना तो इसको डिवाइड करे और ना ही इसको, इससे क्या होगा आपका समय बचेगा और कुछ हद तक टाइम सेव होगा और एनालाइज कर पाओगे। बट फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, इस जितने भी टेस्ट अप्लाई किया जा रहा है इससे मतलब ये मतलब नहीं है, कतई मतलब ऐसा नहीं है कि आप संसार के कोई भी पॉलीनोमियल लेके आओ, आप उस पर अप्लाई करो टेस्ट और कह दो कि इरिड्यूसिबल है, इरिड्यूसिबल, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देख रहे हो इस पॉइंट को आप, ये बहुत ही मुश्किल है कहना किसी पॉलीनोमियल के बारे में कि इरिड्यूसिबल है या इरिड्यूसिबल, ये तो बहुत रिसर्च का क्लियर हो गया है। तो प्लीज़ आप इस प्रॉब्लम को आप प्लीज़ बनाओ मॉडल पी टेस्ट से, मॉड पी टेस्ट से इस प्रॉब्लम को बनाओ और बताओ कि इरिड्यूसिबल है कि यार कौन से प्राइम मुझे मिले हैं इसमें इरिड्यूसिबल के लिए, बताओ। तो प्लीज़ इसको चेक करना आपको ओवर क्यू, ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये जो क्वेश्चन है कौन से प्राइम के लिए, कौन से प्राइम मुझे ऐसा मुझे मिला है जिसकी वजह से ये इरिड्यूसिबल हुआ है, या फिर मिला है कि नहीं मिला आप बताओ। इससे तो मिलेगा ही, मुझे कन्फर्म है, आई नो वेरी वेल। तो आप प्लीज़ इसको बताओ कि कैसा है, आई होप क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कि एक है मेरा आई टेस्ट क्राइटेरिया और शिफ्टिंग रिजल्ट, उस पर बात करेंगे।